मुसलमानों के लौंडे को। हाँ देख रहा हूँ कैसे मुसलमान कट्टर के साथ घूम रहा है। इसका इलाज मारना पड़ेगा, चलो भानु के पास। देख रहे हो सलमान भाई, इतनी हिंदू मुस्लिम लड़ाई होने के बाद भी ये कट्टर हिंदू के साथ घूम रहा, इसे शर्म ना रही। दानिश भाई से समझाएंगे, ना माने तो इसके बाप से कहनी पड़ेगी। हाँ भी सब्बीर भाई, क्या चल रहा कॉलोनी में? प्रधान जी कोई दिक्कत वाली बात ना, हर घर से 15-15 वोटे हैं। अच्छा हाँ भाई जलीस, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? प्रधान जी कल रैली निकाली थी, चाहने वाले इतने थे कि पैर रखने की जगह नहीं थी। हाँ तो तुम बताओ। आपकी बार दिक्कत वाली बात नहीं, पब्लिक नाम है तुम्हारे लेने की, प्रधान जी को जिताना आपकी बार। भाई रिजवान, प्रधान जी से मेरी 2 मिनट बात करवा दो। ऐसी क्या बात है, मुझे बता दो, प्रधान जी से मैं ही बता दूंगा। नहीं रिजवान भाई, मुझे प्रधान जी से अकेले में बात करनी है, कुछ खास बात है इलेक्शन को लेकर। रुको अभी बुलाता हूँ। प्रधान जी एक लड़का आया है इलेक्शन के बारे में बात करना चाहता, अकेले में मिल जाइए। हाँ बोलो क्या बात थी? प्रधान जी 100-150 वोट है, देख लो क्या करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास 100-150 वोट है, बस ऐसी मेहनत करते रहो, इंशाल्लाह आपका जीत पक्की है। प्रधान जी सुनो तो। क्या बात है? प्रधान जी वो मेरा मतलब है कि वो 100-150 वोट जो है ना बिकाऊ है। ना ना भैया, ऐसी वोटों की हमें बिल्कुल भी जरूरत ना, हमारे लोग पूरी मेहनत में लगे पड़े, इस बार के इलेक्शन हम जीते पड़े। इस प्रधान ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, इसमें तो बहुत घमंड है, इसने तो मेरी सही से बात ही नहीं सुनी। इन लोगों को देख के तो मेरे दिमाग में एक बात आ गई, उस प्रधान का घमंड तो अब टूटेगा। दलवीर भाई। हाँ भाई कह बात है। दलवीर भाई तुम्हें कुछ बताना है इलेक्शन के मामले में, तुम नए हो। तू कहना कह चाहे है? कहने का मतलब यह है प्रधान जी, राजनीति के मामले में तुम्हें इतना मालूम नहीं है, मैं तुम्हें प्रधान जी एक बार में जितवा दूंगा। रे हमारी मंशा भी हुई है, मगर उसके लिए करना कह पड़ेगा। प्रधान जी वो सब तो मेरी दिक्कत है, बस मुझे कुछ रोकड़े की जरूरत है। रे पीसे की दिक्कत ना है, मारे को बस इलेक्शन जीतना है, पीसा तो चाहे कितना खर्च कर दे। ठीक है प्रधान जी, काम हो जाएगा। आज बच्चा बैठ गया, क्या कुमारना सुलेमान का सिर मुझे फोड़ना, कोई सा तुम में तो हाथ मत लगाती हो। ये साले मारो, पकड़ो पकड़ो। जिले में हुई हिंदू मुस्लिम लड़ाई, आइए आपको दिखाते हैं रोड पर किस तरह का माहौल है।
तो देखा आप लोगों ने किस तरह से सरेआम रोडों पर गाड़ी चलाई जा रही है। लोगों में हिंसा बढ़ती जा रही है, हिंसा का माहौल है और लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। आखिर क्यों एक दूसरे के धर्म को लेकर दिलों में इतनी नफरत हो रही है? आगे की बात जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कर लो। भाई भाई देखे तुम्हारे भाई ने कैमरे लिया GoPro, कैसा लग रहा भाई? माशाल्लाह बहुत अच्छा है, पार्टी कब दे रहा है भाई? ले लियो पार्टी, तुमसे ज्यादा है यार। अरे यार वीरपाल, मैंने अपने लोंडे को GoPro दिलवा दिया, हमारा लोंडे भी वीडियो बना करेगा। ये कट्टर क्या कर रहा है यहाँ पे? पापा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कैमरा देखने आया था। तुझसे बोला था इन लोगों के साथ मत रहना, तुझे पता ही नहीं ना हमारे भाइयों को कितना मारा था। अरे वो पापा ये मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा। चल अंदर को, तू आज के बाद दिखाई मत देना यहाँ पे, चल। भाई कल मारे बापू ने अच्छा नहीं करा। अबे तो अब तक कल वाली बात को लेकर बैठा है, तेरा बापू भी तो मेरा अब्बू जैसा है। यार मारा बापू दिल का बुरा नहीं है, ये जो हिंदू मुस्लिम लड़ाई करते ना, ये बापू को भड़का के चले जाते। शर्म तो आना रही होगी तुझे। अबे भूल गया हमारे भाइयों को कितना मारा इन लोगों ने, गैरत मार दी बिल्कुल। आज तो चल बता दो तुझे। अरे भाई ब्रेकिंग न्यूज, हिंदू मुस्लिम झगड़े के बाद कुछ घुसपैठियों ने आंगनवाड़ी के एक स्कूल में बम लगा दिया है, जिसमें दो बच्चों की जान खतरे में है। तो आगे की बात जानने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हेलो भाई, तूने खबर सुनी? हाँ भाई। क्या करना? करना क्या, मिलते लोकेशन पर। आ गए भाई तू? हाँ भाई, तू इस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूँ। जल्दी चलो फहीम भाई, टाइम बहुत कम है। तो देखा आप सभी लोगों ने, जो दो बच्चों की जान बचाई है उनमें से एक हिंदू है एक मुसलमान है। तो समझे आप, हिंदू मुस्लिम साथ रहकर क्या कुछ नहीं कर सकते, एकता ही हमारा जीवन है, एकता ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हेलो गाइस, गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों में वीडियो को फैला दें। और गाइस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और नई वीडियो बहुत जल्द आएगी। गाइस ये वीडियो एकता के लिए थी, आपस में प्यार मोहब्बत बनाए रखें, मिलते हैं न्यू वीडियो में बहुत जल्द।